मुख्य अतिथि, असम के राज्यपाल, हमारे विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानी गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानी अशोक जी गहलोत साहब, संसदीय मंत्री शांति धारीवाल साहब, उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब, सचिव संयम जी लोढ़ा, उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, भूतपूर्व सदस्यगण, आज हम जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उस कार्यक्रम में जहाँ संसदीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की जो शाखा है उसका एक भाषण का कार्यक्रम है वो भी सम्मिलित है। राज्यपाल महोदय जो पहली बार राज्यपाल बनके हमारे सदन में आए उनका स्वागत का समारोह भी सम्मिलित है और हमारे यहाँ जो दो विधायक सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं उनका भी आज सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे तीनों कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए माननीय कटारिया साहब आपका यहाँ स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। और आज का जो विषय रखा है वो विषय रखा है प्रभावी एवं सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधानमंडल की भूमिका। मैं समझता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि से कोई अच्छा अतिथि हमें नहीं मिल सकता था क्योंकि विधानमंडल में प्रभावी और सार्थक जो लोकतंत्र में भूमिका है उसमें एक पक्ष होता है जो सत्ता पक्ष होता है, एक पक्ष होता है जो विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र हमने इस देश में अपनाया, उस संसदीय लोकतंत्र में हमने अपेक्षा की गई कि जनमत के आधार पर जो पार्टी सत्ता में आएगी वो नीतियाँ बनाकर प्रदेश का निर्माण करने का काम करेगी। हमारे संविधान के अंतर्गत हमने ये सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो विधानसभा विधानमंडल निर्णय करते हैं, जो संसद के सभ्य विषय हैं वो संसद निर्णय करती है और कॉन्क्रीट लिस्ट के सब्जेक्ट दोनों ही सदन निर्णय कर सकते हैं। उनमें प्रभावशाली का भूमिका निर्वहन करने के लिए जहाँ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वहाँ उसी तरह से दूसरी जिम्मेदारी बनती है प्रत्यक्ष भूमिका के रूप में। और आज माननीय कटारिया जी दोहरी भूमिका के रूप में यहाँ पर सदन में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर चुके हैं। वो प्रभावशाली मंत्री भी रहे हैं और प्रभावशाली विपक्ष के नेता भी रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र में प्रभावशाली विपक्ष और प्रभावशाली जो सत्ता पक्ष है उन दोनों में जो सामंजस्य होता है, सामंजस्य का मतलब ये है कि वॉचडॉग की एजेंसी के रूप में प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को निर्वहन करे और सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी के आधार पर जिन मैंडेट लेकर सत्ता में आया उनकी नीति बनाकर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें तो हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए विधानमंडल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विधानमंडल अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है और संसदीय लोकतंत्र कमजोर होने का मतलब लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा पूरा करने का जो हमने निर्णय किया है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से करेंगे यदि ये पूर्ण नहीं होती है तो देश में असंतोष बढ़ता है और असंतोष बनने के कारण जिसके परिणाम होते हैं वो अलग अलग प्रदेश पहले अलग देशों में आपने देखा होगा, चाहे राष्ट्रपति प्रणाली के माध्यम से हो, चाहे संसदीय प्रणाली के माध्यम से हो, चाहे किसी एक पार्टी के शासन के माध्यम से हो, असंतोष बढ़ता है और असंतोष बनने के बाद हम उनकी जो गवर्नेंस करने की जो नीतियाँ हैं और उनके तरीके में परिवर्तन होता है। इसलिए प्रभावशाली और सार्थक प्रभाव भूमिका निर्वहन करने के संबंध में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे जो विधानमंडल हैं उनमें समय निर्धारित है। समय निर्धारित है क्वेश्चन आवर का 11 से 12, समय निर्धारित है 0 आवर का, समय निर्धारित है हम किस तरह से डिबेट करके बिल को पास करें और समय पे अपनी बात को कहें। तो जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है वो इम्पोर्टेंट है और क्वालिटी ऑफ डिबेट के साथ किस अच्छे ढंग से हम कम समय में अपनी बात को रख सकें ये प्रभावशाली भूमिका निर्माण करने की जिम्मेदारी सदस्य की भी होती है और मंत्री की भी होती है कि लोगों की जो एस्पिरेशन जनप्रतिनिधि के रूप में विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग उठाते हैं उनकी बात को समझकर अपनी नीतियों में निर्धारण नीति पर परिवर्तन इस तरह से करें कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। इसलिए विधानमंडल की भूमिका में प्रभावशाली और सार्थक भूमिका निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की भूमिका की अलग सदस्यों की अलग है और विपक्ष की भूमिका अलग है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि आज के विषय में हम जिन मुख्य अतिथि को हम यहाँ पर बुलाया है वो उनकी भूमिका दोनों तरह से रही है और हमें ये गौरव कर आज अवसर मिला है कि उन भूमिका का निर्माण करने वाले हमारे यहाँ के सदस्य को आज भारत सरकार ने असम का राज्यपाल बनाकर उनको मनोनीत किया है। इसलिए राज्यपाल के मनोनीत के बाद एक अलग तरह की भूमिका हो जाती है जहाँ प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष उनकी एक भूमिका होती है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की भूमिका एक अलग तरह की भूमिका है और गवर्नर की भूमिका का निर्माण करना बहुत कठिन काम है
क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में संविधान में हमने अपेक्षा की है कि किस तरह का हम देश का निर्माण कर सकते हैं। संविधान में हमने कल्पना की इस देश में हम समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष देश को निर्माण करना चाहते हैं। संविधान में ही हमने निर्णय किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर संविधानिक तरीकों से हम आगे बढ़ाकर देश का निर्माण करना चाहते हैं। तो गवर्नर की भूमिका वहाँ पर वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नर की भूमिका, उसमें गवर्नर की एक बहुत बड़ी भूमिका यह है कि संविधान में जो व्यवस्था है उनको ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। अब ये भूमिका का काम, निर्वहन करने का काम माननीय कटारिया जी आपको मिला है। मैं समझता हूँ कि जो विधानमंडल की भूमिका में जो भूमिका आपने प्रतिपक्ष के रूप में, सत्ता पक्ष में मंत्री के रूप में जो प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन किया है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के रूप में भी आप एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करेंगे, जिससे हम गौरवान्वित होकर कह सकें कि हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जो कटारिया जी को अलग अलग भूमिका करने का मौका मिला, वो गवर्नर की प्रभावशाली भूमिका निभाकर उन्होंने देश में अपना स्थान बनाया, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी भूमिका संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी। और आज के दिन जो हमारे दो विधायक हैं, जिनको हम आज बेस्ट विधायक के रूप में हम यहाँ पर चयन उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके संबंध में भी निश्चित तौर पर मैं दो बात कहना चाहता हूँ। एक अमीन खान जी को हमने इस माननीय सदस्य को हमने सर्वोच्च विधायक के रूप में चुना है और एक श्रीमती अनिता जी को चुना है। अनिता जी और माननीय श्री अमीन खान जी के बारे में मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। अमीन खान जी को मैंने एक विधायक के रूप में देखा है, एक मंत्री के रूप में उनकी भूमिका देखी है और एक अध्यक्ष के रूप में मैंने देखा है कि माननीय अमीन खान जी कितने कम समय में अपनी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। चाहे प्रश्नकाल का सवाल हो, चाहे ध्यान आकर्षण का सवाल हो, चाहे डिमांड में अपनी बात करने की हो, बहुत सार्थक रूप से अपनी बात को कहते हैं। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लोगों के बीच में रहकर जिस तरह की लोगों की समस्याओं को समझा, उसको अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट करने का काम किसी ने सदन में किया है, तो मैं समझता हूँ कि अमीन खान जी को मैंने देखा है। इसे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अमीन खान जी जैसे सदस्य को एक बेस्ट विधायक के रूप में हम यहाँ पर सम्मानित करें। ठीक उसी प्रकार श्रीमती अनिता भदेल जी को मैंने एक विधायक के रूप में देखा है और मुझे आज भी स्मरण है कि जब विधायक के रूप में जब पहली बार उन्होंने डिबेट में भाग लिया, तब सीएजी रिपोर्ट को उन्होंने रेफरेंस दिया। शायद प्रथम बार के विधायकों को मालूम भी नहीं होता कि सीएजी रिपोर्ट क्या होती है। सीएजी रिपोर्ट को डिबेट का आधार बनाकर किसी ने पार्टिसिपेट करने का काम किया, वो श्रीमती अनिता भदेल जी को मैंने एक विधायक के रूप में देखा है और मैंने इनके मंत्री के रूप में भी इनके काम को देखा है। और आज प्रतिपक्ष में जो इनकी भूमिका है उनमें भी प्रभावशाली ढंग से जो विधानसभा के प्रश्नकाल है, जीरो आवर है, डिमांड है, उसमें प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश में महिलाएं आगे बढ़ें। उन महिलाओं का आगे बढ़ने में इस तरह की पार्लियामेंटेरियन दीदी महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो और महिलाएं हैं वो आगे बढ़कर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी। उनको भी हमने श्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना है, मैं उनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से हमारे विधानसभा की जो गरिमामय जो परंपरा रही है उन परंपराओं का निर्माण करेंगे और हमारे यहाँ के जो विधायक की जो परंपरा है उन परंपराओं को देश के सामने हम कह सकेंगे कि हम सब अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, अलग अलग विचारों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर संसदीय लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं और व्यक्तिगत तौर पर एक बार कटारिया साहब का और धन्यवाद करता हूं कि आज समय निकालकर आप हमारे बीच में आए, हम आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को बहुत बहुत गौरव अनुभव करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।